प्रेम से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, उपस्थित गणमान्यगण, प्रदेश के मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ध्वजारोहण से पहले मैं शौर्य स्मारक गया था। शौर्य स्मारक हमारे उन वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज शौर्य स्मारक में दिव्य और भव्य भारत माता की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मेरी यहां उपस्थित मेरे टीम के सदस्यों से, बाकी मित्रों से यह आग्रह है कि इस कार्यक्रम के बाद शौर्य स्मारक जाएं और भारत माता के दर्शन करें। अटल जी ने कहा था, यह देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर्दनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, पावस के कुंतल मेघ, काले काले मेघ इसकी कुंतल केस राशि है, सागर इसके चरण पखारता है, सूर्य और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहां का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहां का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, यहां का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहां का जन जन हमें दुलारा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए, और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां गंगा जी नर्मदा जी में विसर्जित कर दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां भारती के चरणों में प्रणाम करके आज मैंने यही प्रार्थना की कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए, हम समृद्ध विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाए। मैं आज उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं, वो क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़े थे वे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सब कुछ तो उन्होंने निछावर कर दिया था, अंडमान और निकोबार के जेलों में पूरी जिंदगी और जवानी कोलू और चक्की पीसते हो गुजार दी थी, और कई ऐसे थे जिनने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से मां भारती को पवित्र किया था। उनके त्याग तपस्या बलिदान के फलस्वरूप यह आजादी हमें प्राप्त हुई थी। आज उन सबके चरणों में प्रणाम, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं।
मित्र उन क्रांतिवीरों की, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ही इच्छा थी, संकल्प था, एक वैभवशाली भारत का निर्माण, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण हो रहा है, एक स्वर्णिम अध्याय आज भारत का लिखा जा रहा है। एक नहीं अनेकों कदम। अभी हमारा भारत 1962 का भारत नहीं रहा है। अगर भारत मां की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो हमारे जवान उनकी गर्दन तोड़ते हैं। शहीद दीपक सिंह रीवा के फरेंदा के, उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मध्य प्रदेश ने तय किया है कि वो शहीद सैनिक जो अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी, एक प्लाट या मकान की व्यवस्था, उनकी प्रतिमा, ताकि उनका बलिदान चिर स्थायी रह सके, उनके सम्मान में हम करते हैं। आज देश के चमत्कारी नेतृत्व मिला है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक नहीं ऐसे अनेकों काम, कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेके अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, जिनके बारे में लोग कहा करते थे कि असंभव हो नहीं सकता, जो असंभव था उसको संभव किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अयोध्या में श्री राम की जन्म, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन देश में प्रदेश में हमें राम राज्य की स्थापना भी करनी है। महात्मा गांधी का सपना था, बापू का राम राज्य, भगवान राम समदर्शी थे, कोई भेदभाव उनकी दृष्टि में नहीं था। तुलसीदास जी ने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक ताप, भौतिक ताप, दैहिक ताप, सबसे अलग राम राज की कल्पना। राम राज का आदर्श है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। राम राज का आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है मेक इन वर्ल्ड। भारत केवल अपनी नहीं सोचता, भारत दुनिया की सोचता है। राम राज का आदर्श है आत्मवत आत्मवत सर्वभूतेषु, सब अपने जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं। राम राज्य का आदर्श है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। राम राज्य का आदर्श है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। राम राज्य का आदर्श है मनुष्यों में तो सद्भावना हो, प्राणियों में भी सद्भावना हो। राम राज्य का आदर्श है विश्व का कल्याण हो। राम राज्य का आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिना। राम राज्य का आदर्श है सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चि दुग्भाग भवेत। ऐसा राम राज जहां सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उसी को हमने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कहा है। और अब हमारा संकल्प है आत्म भारत मध्य प्रदेश का निर्माण। जब 23 मार्च को हमने कार्यकाल संभाला, नई सरकार अस्तित्व में आई, तो कोरोना का संकट प्रदेश में जड़ें जमा चुका था। और उस समय मुझे याद है हमारे पास केवल एक टेस्टिंग लैब थी जिसमें केवल 60 टेस्ट होते थे। पीपी किट्स नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे,
अस्पताल में बेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। युद्ध स्तर पर हमने काम प्रारंभ किया, प्राइवेट अस्पतालों से भी टाई अप करके अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ाई, पीपी किट्स का इंतजाम किया, दवाइयों की व्यवस्था की, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर जितनी आवश्यक जरूरतें थी उनको युद्ध स्तर पर पूरा किया गया। और आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं खड़ी कर ली है। लेकिन केवल व्यवस्थाएं खड़ी करना काम नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से बड़ा नुकसान उठा रही थी तब प्रधानमंत्री जी ने खतरे को पहले से ही भांपा और एक सुनियोजित रणनीति बनाई, लॉकडाउन की व्यवस्था हुई। लॉकडाउन के कारण हमें समय मिल गया आवश्यक व्यवस्थाएं खड़ी करने का, लेकिन लॉकडाउन के कारण संकट भी पैदा हुए। हमारे मजदूर भाई और बहन, प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आए, उनके रोजगार की व्यवस्था हमें करनी थी। लगभग 15 लाख मजदूर आए, 15 लाख हमारे प्रदेश के, और 5 लाख से ज्यादा मजदूर जो दूसरे प्रदेशों के थे घर वापस जा रहे थे, लेकिन जाने का रास्ता केवल मध्य प्रदेश से होकर था। उन मजदूर भाइयों को जब देखा पैदल चल के आ रहे हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो हमने फैसला किया, तय किया कि मध्य प्रदेश की धरा पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलेगा, उनके लिए बसों की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए भोजन चाय नाश्ते का प्रबंध करेंगे। केवल सरकार ने नहीं, समाज ने मिलकर, राजनीतिक दलों ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। न केवल बसों का इंतजाम हुआ बल्कि जगह जगह भंडारे चालू हो गए, भोजन चाय नाश्ता, यहां तक कि पांव में अगर जूते और चप्पल नहीं थे तो उनके पैरों में जूते और चप्पल पहनाने का काम भी मध्य प्रदेश की जनता ने किया। मैं ऐसी जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमने ये कहा था, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, किसी प्रदेश के मजदूर जाएं मध्य प्रदेश में उनको कोई कष्ट ना हो। फिर हमारे सामने बड़ी चुनौती थी, वापस जो मजदूर आए उनको काम की व्यवस्था करनी थी। हमने श्रम सिद्धि अभियान चलाया, उस अभियान के तहत तय किया कि प्रदेश में आने वाले मजदूरों को हम बेरोजगार नहीं होने देंगे, उनके रोजगार का इंतजाम करेंगे। 15 लाख मजदूर आए, उनमें से 14 लाख मजदूरों को श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत रोजगार का प्रबंध किया गया। हमने रोजगार सेतु बनाया, एक पोर्टल बनाया, क्योंकि आने वाले मजदूर केवल मजदूर नहीं थे, उनमें से कई कुशल कारीगर थे, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता था, कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम करता था, कोई किसी बिल्डर के यहां काम करता था। उनके हाथों का कौशल, केवल मजदूरी नहीं, अच्छा काम चाहता था, इसलिए हमने व्यापक पैमाने पर स्किल मैपिंग का काम प्रारंभ किया। 5 लाख से ज्यादा रोजगार सेतु पोर्टल बना, 5 लाख ऐसे मजदूर निकले जिनके हाथों में कौशल था, उनके हाथों को काम मिले, इसलिए पोर्टल पर दूसरी तरफ हमने जो काम देने वाले लोग थे जिनको काम के लिए कुशल हाथों की जरूरत थी, नियोक्ता पोर्टल पर उनके नाम भी हमने बुलाए। एक तरफ जिनको काम की जरूरत है, काम चाहने वाले, और दूसरी तरफ जिनको काम के लिए कुशल हाथों की जरूरत है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। अभी 29,000 कुशल कारीगरों को रोजगार मिला, लेकिन यह अभियान रुकेगा नहीं, हर एक को रोजगार मिल जाए इसकी कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। बहनों और भाइयों, लॉकडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, काम धंधे ठप हुए, और सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी हुई रोज कमाकर खाने वालों को, हमारे गरीब
पथ विक्रेता, हाट ठेले में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, हमारे बढ़ई लोहार कुम्हार नाई, अनेकों वर्गों के गरीब भाई और बहन जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते थे, तब दोनों टाइम के भोजन की जुगाड़ होती थी, उनके काम धंधे नष्ट हो गए। जरूरत थी इस बात की तो उनकी आजीविका फिर से प्रारंभ हो। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाई और यह तय किया कि ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहनों को आजीविका के लिए धन जुटाने के लिए 10,000 रुपए की राशि, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, उनको 10,000 रुपए की व्यवस्था अपना काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश में कि 7% के ऊपर जितना ब्याज होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया और मुझे खुशी है मेरे मित्रों, 8 लाख से ज्यादा शहरी पथ विक्रेताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उन सबको 10,000 रुपया मिले। इसके अभियान में हम जुटे हुए हैं, अकेले मध्य प्रदेश से हैं, हम रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को यह राशि 30% महीना की दर पर आता है। दूसरी तरफ हमने विचार किया, केवल शहरी नहीं, गांव में भी कई पथ विक्रेता ऐसे आते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की हमने स्थापना की, उसमें भी 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। आएंगे मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, संकट के समय आपका रोजगार और आजीविका चलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने तय किया मेरे बहनों और भाइयों, कई भाई और बहन ऐसे थे जिनके गरीब होने के बाद भी राशन ना मिले, इससे बड़ी त्रासदी कोई हो नहीं सकती। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को भी 1 सितंबर से उनको ही रहना खाली, यह हमारा संकल्प है। वैसे भाइयों को अब राशन प्रदाय की व्यवस्था प्रारंभ की जाए, गरीबों का बल थी। और आज मैं फिर उद्घोषित करता हूं, अगर मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला अधिकार किसी का है, समय की रोटी की जुगाड़ करने के लिए मशक्कत अधिक फिर से प्रारंभ करेंगे, ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें, उनमें भी क्षमता होती है, उनमें भी प्रतिभा होती है। ये बंद जितनी योजनाएं थी हम फिर से चालू करेंगे। संबल योजना में हमने तय किया था, मेरी मजदूर बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी, ताकि प्रसव के बाद वो ढंग से आराम कर सके, पोषण आहार उसको मिल सके और बच्चों को कुछ तो पल दे सके। हमने तय किया है बिजली के बिलों में, कोरोना काल में भी हमने छूट दी थी, जिनका 100 रुपया आया हमने 50 रुपया किया, जिनके 400 आए उनका 100 रुपया हमने किया और जिनका 400 से ज्यादा था उनका आधा किया। आज भी बिजली के बिलों की कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। वैसे लोग चिंतित ना हो, एक बार फिर से हम समीक्षा करेंगे, लेकिन गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे। हमने फैसला किया था कि भगवान ना करे एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, उसके परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, गरीब परिवार को सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए हमने देने की व्यवस्था की थी। इन योजनाओं को हमने फिर से पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ कर दिया है। जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है उनके लिए सबसे पहले है। मैं आज यह भी घोषणा कर रहा हूं कि कई गरीब परिवार, विशेषकर आदिवासी परिवार, 89 ब्लॉक्स में ऊंचे ब्याज की दरों पर बिना नियम प्रक्रिया पूरे किए हुए उनको कर्ज दिया जाता है और बाद में कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता है। आज ही 15 अगस्त के दिन से बिना नियम प्रक्रिया के
बिना लाइसेंस के अगर किसी ने गरीब को पैसा दिया है, शून्य कर दी जाएगी। वो सारा कर्जा गरीबों का, आदिवासियों का माफ कर दिया जाएगा, वो उनसे वसूली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। अभी 89 ब्लॉक्स के लिए हमने कर दिया है, लेकिन बाकी गरीबों के लिए भी हमको यह व्यवस्था करना है। गरीबों की जिंदगी आसान बने, इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने किसान भाइयों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में बाकी व्यवसाय ठप हो गए हो, लेकिन किसानों कमाल कर दिया अन्नदाताओं आपने। मध्य प्रदेश में अन्न के भंडार भर दिए कोरोना के कारण। गेहूं के उपार्जन का काम हम निर्धारित समय में प्रारंभ नहीं कर पाए। 15 अप्रैल से हमने खरीदी शुरू की, कठिनाइयां सामने थी, हम माल नहीं थे, मजदूर नहीं थे, व्यवस्थाएं पूरी खड़ी नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने कहा था किसान के गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, विपरीत परिस्थितियों में 1,29,54,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। पंजाब को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन गया है। अन्नदाताओं, तुम्हारे परिश्रम को प्रणाम। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 24,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि हमने किसानों के खाते में डाल दी है। हमने केवल गेहूं की खरीदी नहीं की, हमने चने की खरीदी की, हमने सरसों की खरीदी की, और चने की खरीदी में भी 15 क्विंटल की सीमा को बढ़ा के हमने 20 क्विंटल कर दिया। सरसों की खरीदी की सीमा भी 20 क्विंटल तक बढ़ा दी गई। अन्नदाताओं के परिश्रम का पूरा सम्मान। मेरे अन्नदाताओं, फिर से हमने 0% ब्याज पर कर्ज देना प्रारंभ कर दिया है, ताकि ब्याज की चक्की में न पिसे हमारा किसान। हमारी सरकार जब आई, हमने देखा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के राज्य सरकार को जमा करना था, वो पैसे जमा नहीं किए गए थे, इसलिए फसल बीमा योजना की राशि मिल नहीं रही थी। हमने आते ही 2400 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा की और 3100 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन किसान भाइयों, चिंता मत करना, अभी तो प्रीमियम की राशि और जमा करके आपके खातों में 4000 करोड़ रुपया और आने वाले हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए हम और नई योजनाओं का निर्माण आपसे चर्चा और आपसे बातचीत करके करेंगे। अरे अब तक तो मैं पंचायतें कर लेता, लेकिन कोरोना ने पंचायत होने नहीं दी। अब जरूरत पड़ी तो किसानों से ऑनलाइन संवाद स्थापित किया जाएगा और उनके कल्याण के और अनेकों कदम उठाए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 1500 करोड़ रुपया वो भी किसानों के खातों में डला है। ये लगातार जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि अधोसंरचना के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया का ऐलान किया गया है। उन 1,00,000 करोड़ रुपया में से लगभग 7,500 करोड़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है। हम कृषि की अधोसंरचना खड़ी करेंगे। हम वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज की चैन, अधोसंरचना के लिए बाकी सारे आवश्यक काम करेंगे। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, केवल परंपरागत खेती नहीं, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का नया अभियान प्रारंभ किया जाएगा। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, नए नए क्षेत्रों में तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। और एक हमारा संकल्प है फूड प्रोसेसिंग का। हम माल कच्चा उत्पादित करते हैं, लेकिन उसकी ठीक कीमत हमें ढंग से नहीं मिल पाती, इसलिए उसका वैल्यू एडिशन मध्य प्रदेश की धरती पर ही हो, यही छोटे छोटे कारखाने लगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके। कच्चे उत्पाद का वैल्यू एडिशन अब हमारा संकल्प है। मेरे प्रिय किसान भाइयों,
हमारी कोशिश होगी कि हम कृषक संगठनों का, एफपीओज का, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का पूरे मध्य प्रदेश में जाल बिछा दें, ताकि किसानों का समूह ठीक ढंग से अपने उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम करके ढंग से अपने उत्पाद की ठीक कीमत ले सके। बिचौलिया बीच में बहुत सारा पैसा, बड़ा लाभ कमाते हैं, बिचौलियों का लाभ कम करके किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस दिशा में हम लगातार काम करने का प्रयास करेंगे। खेती को फायदे का धंधा बनाना है, किसानों की आय दुगनी करनी है, इस संकल्प के साथ हम में काम में जुटे हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार का लक्ष्य है। पिछले कार्यकालों में भी हमने एक ने अनेकों काम किए। मैं मानता हूं इस देश ने आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से कहा है, यत्र मातृस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माता बहन और बेटियों की पूजा होती है, वहां भगवान निवास करते हैं। और इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नहीं अनेकों काम प्रारंभ किए। महिलाओं में, बहन और बेटियों में गजब की रचनात्मक शक्ति होती है। इस शक्ति के दर्शन हमने कोरोना काल में भी किए, जब हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, हमने अपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा, उन्होंने 1,14,000 पीपीई किट बना के हमें दे दिए, 1,12,000 मास्क हमारी बहनों ने बना दिए, 1,00,000 सैनिटाइजर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने बना के दे दिया, 2,00,000 साबुन हमारी बहनों ने बना के दे दिए। जीवन शक्ति योजना हमने प्रारंभ की, जिसमें मास्क का निर्माण व्यापक पैमाने पर हमारी बहनों ने किया। मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसलिए हमने तय किया है कि साल ही लगभग 1,300 करोड़ रुपये का लोन केवल 4% इंटरेस्ट रेट पर उनको दिया जाएगा, नहीं तो उनको 20% और 22% ब्याज देके भी कर्जा लेना पड़ता है। और मेरी बहनें जो सामान बनाएंगी, गजब की रचनात्मक क्षमता है उनमें, उस सामान की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है लोकल को वोकल बनाने का, और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ये काम कर सकते हैं, स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके ग्रुप से सामान बनाने की, जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है हम प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश ये भी होगी कि मध्य प्रदेश के हर एक जिले की जो विशेषता है, हर एक जिले की अलग अलग विशेषता है, कहीं संतरा अच्छा पैदा होता है, कहीं साड़ियां अच्छी बनती है, कहीं केला अच्छा पैदा होता है, कहीं वनौषधि है, एक जिला एक उत्पाद, उसको बढ़ावा देके हम उस जिले को विशेष रूप से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, इसी साल हमने 78,000 ई सर्टिफिकेट जारी किए, वो फिर से उसमें कोई कमी ना रहे, इस बात की हम चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है, और बेटी बचाओ अभियान फिर नए सिरे से मध्य प्रदेश की धरती पर चलाया जाएगा। बेटियों की पूजा करके ही कोई भी शासकीय कार्यक्रम अब प्रारंभ किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर नए सिरे से बना के उसको प्रारंभ करने का अभियान हम चलाएंगे। मेरे बेटे और बेटी, ये भविष्य है मध्य प्रदेश का, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनको आगे बढ़ने के सारे प्रयास, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों को लैपटॉप देने की योजना हमने बनाई थी, वो योजना बीच में बंद कर दी गई थी। मेरे बेटे बेटियों, इसी साल मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। कोरोना काल है तो लाल परेड में भले मैं कार्यक्रम ना कर पाऊं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हम तुम्हें लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देंगे, तुम्हारे रोजगार का बेहतर प्रबंध हो, सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में शासकीय भर्तियां जितनी आवश्यक है उनको नए सिरे से करने का फिर से अभियान प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा
प्राइवेट सेक्टर्स में जितने रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं उन सारे रोजगार के अवसरों को हम पैदा करने का काम करेंगे। मेरे बच्चों, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, तुम में टैलेंट और प्रतिभा है, तुम्हें थोड़े सहारे की जरूरत है, इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर हम प्रारंभ करेंगे। स्टार्टअप, अगर इनोवेशन आइडियाज तुम्हारे पास है और तुम अपना काम धंधा प्रारंभ करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम एक फंड की स्थापना करेंगे जिससे प्रारंभिक राशि तुमको मिल सके और तुम नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाओ। इस दिशा में भी हमारे प्रयास तेजी से प्रारंभ होंगे। हमारे समाज के जितने कमजोर वर्ग के भाई और बहन हैं उनके समृद्धि और विकास के लिए प्रयास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों, हमने पूरे प्रदेश में आदिवासियों को पट्टा देने का अभियान नए सिरे से प्रारंभ किया है। लगातार उस दिशा में काम चल रहा है और सभी पात्र जनजाति भाइयों और बहनों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। हम पट्टे देने का काम जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं। वनोपज का ठीक दाम मिले इसके लिए हमने योजना बनाई है, हमने दाम भी बढ़ाए। महुआ अचार, महुए का फूल, गुल्ली, अनेकों जो वनोपज हैं उनके ठीक दाम देने के लिए तेंदुपत्ते का संग्रह और इस सब में लगभग 580 करोड़ रुपया हमारे जनजाति भाई और बहनों के खाते में देने का हमने अभियान चलाया हुआ है। हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहनों, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों, हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों, अनुसूचित जाति के बेटे बेटियों के लिए हमने ज्ञानोदय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। उनकी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, लगभग 55 लाख से ज्यादा बच्चों की वो उनके खाते में हमने डालने का काम किया है। और पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों, सरकार प्रतिबद्ध है, हम पाखंड में भरोसा नहीं रखते, लेकिन 14% की जगह 27% आरक्षण देने के लिए हम न्यायालय में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 27% आरक्षण मिले उसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सामान्य वर्ग के निर्धन बेटे बेटियों, 10% आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को देने का हमारा अभियान जारी है। सामाजिक न्याय हमारी प्रतिबद्धता है और इसको हम देकर ही रहेंगे। हमारे कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए नई नई सिंचाई परियोजनाओं पर हमने तेजी से काम प्रारंभ किया है। आर्थिक संकट है, मैं उसका रोना नहीं रोऊंगा, हम पैसे की धन की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने 13 सिंचाई की योजनाएं लगभग, अभी नई 7 सिंचाई की परियोजनाएं 13,500 करोड़ रुपए की लागत से उनको स्वीकृति देने का काम किया है। सावेर सहित कई अन्य सिंचाई की योजनाएं भी हमने स्वीकृत की है और नर्मदा मैया के जल की अपने हिस्से की एक एक बूंद का हम उपयोग करेंगे। उसके लिए धन की व्यवस्था के लिए हम अलग से अभियान चला रहे हैं। प्रदेश की प्रगति के लिए सड़कों का जाल हमने पहले ही फैलाया है, उसको और मजबूत करेंगे। विशेषकर चंबल क्षेत्र के विकास के लिए चंबल प्रोग्रेस वे बनेगा। चंबल के बीहड़, जहां कभी डाकुओं का आतंक बोलता था, डाकू तो हमने शांत कर दिए लेकिन अब वहां विकास की बाहर लाना है और इसमें चंबल प्रोग्रेस वे वरदान सिद्ध होगा। मुरैना, श्योपुर, भिंड जिले से होके उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा तक एक नया प्रोग्रेस वे, ये केवल सड़क नहीं होगी चंबल वासियों, ये विकास का एक नया अध्याय शुरू करने का काम होगा। इस प्रोग्रेस वे के दोनों तरफ हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, टाउनशिप डेवलप करेंगे, अनेक व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ करेंगे जो चंबल क्षेत्र की जनता की तकदीर और इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगा। नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, अमरकंटक से लेके लगभग 1300 किलोमीटर बहती हुई खंबात की खाड़ी में नर्मदा मां जाती है। अधिकांश हिस्सा हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में है और अमरकंटक से लेके अनूपपुर हो, शहडोल उमरिया हो, सीधी सतना रीवा हो, जबलपुर भोपाल इंदौर हो, वहां से खरगोन खंडवा, झाबुआ अलीराजपुर, बड़वानी हो,
नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, नर्मदा एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा और उसके दोनों तरफ जहां जहां औद्योगिक क्लस्टर बन सकते हैं, औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो सकती है, उसके लिए हम नए सिरे से अभियान चलाएंगे ताकि नर्मदा अंचल का औद्योगिक विकास हम भरपूर कर सकें। समृद्धि इन्हीं प्रयासों से, मेरे मित्रों, समृद्धि लाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर किया जाएगा। हमारे जितने प्रयास संभव हो सकते हैं इसके लिए, उनमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि पर्यटन रोजगार के नए अवसर सृजित करता है, इसलिए नए पर्यटक सर्किट बनाने का हमने प्रयास प्रारंभ किया है। अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, मां नर्मदा परिक्रमा, राम वनगमन पथ, इनका निर्माण किया जाएगा और इनके माध्यम से कई गतिविधियां पर्यटन की प्रारंभ की जाएगी। बफर में सफर जैसे अभियान भी हम प्रारंभ करेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर प्रारंभ हो। उद्योगों की दृष्टि से, चाहे वो हमारे बड़े उद्योग हो, उनको अनेकों छूट हमने दिए हैं। एमएसएमईज को प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया है, उस पैकेज का हम भरपूर लाभ उठाएंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एमएसएमई के साथ साथ हमारे लघु और कुटीर उद्योगों के साथ साथ हम सिंगल विंडो को ऐसा बनाएंगे कि स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। जो हर्डल है, जो अवरोध है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करके तेजी से औद्योगिक विकास का नया अध्याय मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाएगा और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर चूंकि रोजगार देता है, इसलिए हमने 25 करोड़ तक के निवेश को भी मेगा प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया है, ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकें। सरकारी नौकरियों में भी हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, मध्य प्रदेश के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। हम ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे कि 10th और 12th की मार्कशीट के आधार पर हम जो स्थानीय बच्चे हैं, उनको रोजगार देना सुनिश्चित कर सकें। जब रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हो, तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने प्रदेश के बच्चों की पहले चिंता करें कौशल विकास की दृष्टि से, ताकि बच्चों के हाथों में कौशल आए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क 600 करोड़ रुपए की लागत से सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। हमने अपनी आईटीआईज को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। अब टपरे वाली आईटीआई नहीं चलेगी, वो ट्रेड जिनमें रोजगार मिल सके उनको हम प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ पहले हमने प्रारंभ किए हैं, बाकी आईटीआईज का भी हम उन्नयन करके उनको भारत स्तरीय और विश्व स्तरीय भरसक प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को तत्काल रोजगार मिल सके। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का मध्य प्रदेश में जाल बिछाया जाएगा, ताकि लोकल को वोकल करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा कर सकें। हम ये भी प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में कि जिससे हमारे सारे सिटीजन्स को सिंगल सिटीजन डाटाबेस बना के एक ही पोर्टल पे सारी सुविधाएं देने का काम कर सकें। अलग अलग योजना के लाभ के लिए उनको अलग अलग पोर्टल पर ना जाना पड़े, उस काम को भी हमने प्रारंभ किया है। एक काम और जो हमने अनुभव का हमने अभिनव प्रारंभ किया था, आनंद बाहर से नहीं आता, आनंद अंदर की चीज है, और इसलिए हमने आनंद हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था, आनंद संस्थान का उसके लिए गठन किया था। उस काम को फिर से नए सिरे से प्रारंभ करके हम अपने अंदर तो झांक के देखें। इसलिए अल्प विराम जैसी योजनाएं जो हमको आंतरिक आनंद दे, उसको भी बढ़ावा देने का हम हर संभव और भरसक प्रयास करेंगे। हमारी ग्रामीण आबादी जिनके पास संपत्ति है, मकान है, लेकिन उन मकान को उनको कर्जा नहीं मिल सकता, वो मकान उनकी संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं है। शहर वालों के मकान मकान और गांव वालों के मकान मकान नहीं है। इसलिए हम ग्रामीण आबादी क्या जो संपत्ति का अभिलेख है, आबादी का भू अभिलेख है, उसको तैयार करेंगे, ताकि ग्रामीण संपत्ति पर, मकान पर, जमीन पर हमारे भाई बहनों को कर्ज भी मिल सके और वो उसके खरीदी और बिक्री का काम भी वैधानिक रूप से कर सके।
इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कानून और व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं अपने पुलिस के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं, पिछले दिनों माफियाओं के खिलाफ बड़ी प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो भी माफियाज हैं, चाहे वो भूमाफिया हो, वो सहकारी माफिया हो, वो ड्रग्स का धंधा करने वाले हों, वो चिटफंड कंपनियां बना के जनता को लूटने वाले हों, वो अपराध करके जनता को डराने वाले हों, वो अवैध उत्खनन करने वाले हों, सावधान, या तो मेरा प्रदेश छोड़ देना और नहीं तो नेस्त नाबूद होने के लिए तैयार रहना। मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाएंगे और किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों की कमर तोड़ दी जाएगी। उस दिशा में हमारी पुलिस ने अभिनव काम किया है। हमारे पुलिस के मित्रों के लिए एक 50 बेडेड अस्पताल जो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहेगा, उसकी भोपाल में स्थापना की जाएगी। मेरे कर्मचारी मित्रों, हम जनहितैषी भी हैं और कर्मचारी हितैषी भी हैं। हमने अपने पिछले कार्यकालों में भी कर्मचारियों का हक देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस कोरोना काल के कारण हमारे ऊपर संकट जरूर है, मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि आर्थिक स्थिति प्रदेश की अभी ठीक नहीं है, और इसलिए कुछ लाभ अगर उनको नहीं दिए गए तो इसलिए नहीं दिए गए कि वो देना नहीं है, केवल कुछ समय के लिए रोके गए हैं। ये परिस्थिति निकलते ही सारे देय लाभ हमारे सभी कर्मचारियों को दे दिए जाएंगे। उनके हितों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आत्मनिर्भर पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, उस आत्मनिर्भर पैकेज को हम अक्षरशः जमीन को उतारेंगे। एक और क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा व्यवस्था देश को लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति दी है। मध्य प्रदेश में ज्ञान देने वाली, कौशल देने वाली और संस्कार देने वाली शिक्षा पद्धति लागू की जाएगी। उसमें बदलाव के हर संभव हम उपाय करेंगे। हम अब जगह जगह स्कूल खोलें, इसके बजाय अब समय आ गया है कि हम कुछ ऐसे स्कूल जो सर्व सुविधाओं से युक्त हो, जहां लैब हो, जहां लाइब्रेरी हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां ठीक पढ़ाने वाले टीचर्स हो, उनकी स्थापना करेंगे। सीएम राय स्कूल उस दिशा में खोलने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय, हमने कोरोना काल में भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन आगे वोकेशनल एजुकेशन 6वीं क्लास से ही अपने बच्चों को देने के लिए चुनिंदा स्कूलों में हम प्रयास प्रारंभ करेंगे। शहरी विकास की दृष्टि से हमने अनेकों काम किए हैं। स्वच्छता अभियान में नए रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने नित बनाए हैं। मेट्रो रेल इंदौर भोपाल में स्मार्ट सिटीज का विकास, शहरी अधोसंरचना, इनको बनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। और दीनदयाल रसोई जो गरीबों को भोजन देती थी ढंग से, वो दीनदयाल रसोई पहले जिला मुख्यालयों पर और फिर बाकी बड़े शहरों में भी प्रारंभ की जाएगी। बहनों और भाइयों, अभी हमारे गांव में खटर खटर और अधिकांश समय केवल पानी भरने में गुजर जाता है। अब हैंडपंप से पानी नहीं, हर घर नल जल लगेंगे, जल के लिए नल। और इसी साल 3000 करोड़ रुपया खर्च करके हम 26 लाख घरों में नल कनेक्शन देंगे और 2023 तक 1 करोड़ घरों में नल कनेक्शन देके हम हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था नलों के जरिए करेंगे, ताकि मेरी बहनों और बेटियों को हैंडपंप पर जाकर पानी ना भरना पड़े। ये हमारा अभियान है। सोलर पावर प्लांट की बिजली में हम आत्मनिर्भर है, लेकिन क्लीन एनर्जी चाहिए भविष्य। सोलर पावर प्लांट का ईश्वर बांध में पैनल बिछा तरफ जगह का इस्तेमाल होगा, हमको बिजली मिलेगी, जिस पर हम तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। केवल यही नहीं, मुरैना, छतरपुर, आगर, साजापुर करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके लिए एक अभियान हमने शुरू किया। वेबिनार के माध्यम से कई विषय विशेषज्ञों को जोड़कर हमने मध्य प्रदेश की धरती पर
लगातार 4 दिन चिंतन किया, अलग अलग विषयों पर, भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कई सुझाव आए। मैंने मेरे मंत्री साथियों के समूह बनाए, वो तेजी से बैठ कर करके जो सुझाव उन पर विचार करेंगे, 25 अगस्त तक मुझे रिपोर्ट देंगे, फिर नीति आयोग से परामर्श करके हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। कोई पक्ष नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रदेशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, आपके सुझाव चाहिए। पंचायत हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों के अलग अलग व्यवसायों के लोग, उनमें भी टैलेंट, क्षमता और प्रतिभाएं, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए हमें जरूर सुझाव दें। आपके अच्छे सुझाव को हम अमल पर लाने का विश्वास करेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश आत्मविश्वासी मध्यप्रदेश होगा, आत्मविश्वासी मध्यप्रदेश, अनुशासित मध्यप्रदेश, देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मेरा समृद्ध मध्यप्रदेश, मेरा विकसित मध्यप्रदेश, यह हमारा संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों। हम सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं चलाएंगे, हम मध्य बना के दिखाएंगे। उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के हम ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते। मैं आपसे अंतरात्मा से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जिसमें भी जो क्षमता है, जिसमें जो कौशल और कुशलता है, उस कौशल और कुशलता को झोंक दें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में हम अपना सर्वश्रेष्ठ झोंकें, जो काम करें पूरे मनोयोग के साथ करें, क्योंकि वो काम केवल आपके लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए है। ऐसा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो भावी पीढ़ियों के लिए स्वर्ग बन जाए, उसको बनाने की दिशा में आप सबका सहयोग मिले, ये प्रार्थनाएं। और कोई ये ना सोचे कि मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं। अरे जब हम कोई विचार करते हैं तभी तो वो क्रियान्वित होता है। किसी ने उड़ती हुई चिड़ियों को देख के हवा में उड़ने की कल्पना की और हवाई जहाज का आविष्कार हो गया। प्रदेश बनाकर ऐसा सज मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चल निकलेगा, बनेगा, यह हमारा संकल्प है। क्योंकि हमारा इतिहास गर्व करने वाला, हमारा वर्तमान उत्साह भरने वाला और हमारा भविष्य आसान्वित करने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय पर्व से, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की, राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र धर्म के सृजन की और राष्ट्र सेवा से, राष्ट्र हित के चिंतन की आधारशिला रखें। यही भारत के हृदय प्रदेश की स्वातंत्र वीरों और समूचे जनगण मन के प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि आप सभी सजग रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने, 6 फीट की दूरी बनाए रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आइए मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। एक बार बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। राष्ट्रपति जी की जय के नारे देगी, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति की जय। उद्घोष के बाद में परेड कमांडर श्री रोहित काशवानी मुखातिब है मंच की ओर, जहां पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की
अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा मान्य मुख्य अतिथि महोदय से परेड को कूच करने की अनुमति ली गई। देवियों से जनों, अब यह परेड प्रस्थान करेगी इस विशाल स्टेडियम से बाहर की ओर। देवियों से जनों, आपकी जोरदार तालियों के साथ में ये परेड प्रस्थान कर रही है। 15 अगस्त 2020 का 74वां स्वतंत्रता दिवस आज अपनी रंगों और बौछारों के साथ में यहां पर समाप्त होने जा रहा है। इस विशाल स्टेडियम में पधारे समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार पुनः हम मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से अभिनंदन स्वागत करते हैं।